हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की पिक्स वीबो पर हर जगह फैल जाती है और उसकी पिक्स के साथ यीबो का मैरिज सर्टिफिकेट भी जान देखता है, जिसमें यीबो के साथ जनीलिया का नाम था, जो देखकर जान का दिल भारी हो जाता है। और चैंग जान को कंपनी में से बचाकर बाहर लाकर अपनी कार में बैठाते ही एक राहत की सांस लेता है और जान की हालत देखकर सोचता है कि जान और यीबो लीगल कपल हैं। लेकिन यीबो का मैरिज सर्टिफिकेट देखकर लोग जान को यीबो का मिस्ट्रेस समझ रहे हैं, जो सोचकर चैंग ही इतना डिस्गस्ट फील कर रहा है तो जान को कैसा फील हो रहा होगा। जो सोचकर चैंग जान को बोलता है कि जान को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ये अभी इतना सीरियस मैटर नहीं है और जान को यीबो पर अपना ट्रस्ट रखना होगा, वो सब ठीक कर देगा। पर चैंग देखता है कि उसकी कंफर्टिंग बातों का जान पर कोई असर नहीं हो रहा था कि तभी जान चैंग को देखकर पूछता है कि यीबो कहाँ है, जिस पर चैंग जान के स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस को देखकर सब सच बताता है कि यीबो एक एरिया के डेवलपमेंट जोन की इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है और वो एक घंटे में वापस आ जाएगा। जो सुनकर जान ऑल राइट कहकर वापस चुप हो जाता है और जान को ऐसे देखकर चैंग भी उसे परेशान नहीं करता और जान को अपने घर ले आता है, जहां अपने घर में जान के साथ एंटर करते हुए चैंग एक्सप्लेन करता है कि लास्ट टाइम लूनजे यीबो के मेंशन तक पहुंच गई थी, तो हो सकता है कि कई रिपोर्टर्स वहां मौके की तलाश में बैठे हों। जो एक्सप्लेनेशन सुनकर जान चैंग को थैंक यू कहकर उसके घर में एंटर करके सोफे पर बैठ जाता है और चैंग जान को पानी पीने के लिए देता है, जो पीकर जान चैंग से अपना फोन वापस मांगता है। पर चैंग बहाना बनाता है कि फोन में देखने जैसा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, तो उन्हें आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि चैंग जानता था कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब जान को बुरा भला कह रहे होंगे, इसलिए चैंग जान को फोन नहीं देना चाहता था। वहीं जान भी फोन वापस लेने की ज्यादा जिद नहीं करता कि तभी चैंग के घर की डोरबेल बजती है, तो चैंग सोचता है कि यीबो आया होगा। पर डोर ओपन होते ही जीई का गुस्से से लाल चेहरा चैंग को दिखता है, जो शायद अपने शूट से डायरेक्ट शूटिंग कॉस्ट्यूम में ही आ गई थी, जो फौरन चैंग को साइड में करके जान के पास आकर जान को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, जो सुनकर जान भी अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है कि वो जानता है। पर जान को एक्सट्रीमली काम देखकर जी वरिड फील करती है और चैंग की तरफ देखती है, तो चैंग जी को हेल्पलेस लुक देता है। फिर तीनों खामोशी से बैठकर यीबो के आने का इंतजार करते हैं। वही एक घंटे बाद यीबो चैंग के घर आकर सीधे जान के पास जमीन पर बैठकर जान का हाथ अपने हाथों में लेकर जान का नाम लेता है, जो आवाज सुनकर जान फाइनली यीबो की तरफ देखता है, जहां जान के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखें लाल थी पर वो रोया नहीं था। तभी जान यीबो को देखकर कहता है कि वो फाइनली आ गया, जिस पर यीबो कहता है कि हाँ वो आ गया और जान को यीबो पर ट्रस्ट करना चाहिए, जिस बात को सुनकर जान खामोश हो जाता है और सोचता है कि यीबो ऐसा कैसे बोल सकता है। यीबो ही तो वो अकेला इंसान था जिस पर जान इस पूरे टाइम ट्रस्ट करता आया था। जान का नाम ट्रेंडिंग टॉपिक बनने पर भी जान घबराया नहीं था, क्योंकि यीबो ने कहा था कि वो सब फिक्स कर देगा। जो सब सोचते हुए जान बस यीबो को देखता रहता है, जहां उसकी ब्यूटीफुल आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी, बल्कि वो एम्प्टी और नम थे। लेकिन एक लंबे साइलेंस के बाद जान पूछता है कि क्या ये सब उसी ने किया है, जो सुनकर चैंग और जी एक दूसरे को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखते हैं कि जान किसकी बात कर रहा है। पर यीबो अच्छे से जानता था कि जान हाउसवान की बात कर रहा है। दरअसल जनीलिया ने पहले हाउसवान के साथ हुकअप किया था और वो हाउसवान के लिए शो बिजनेस में भी आना चाहती थी, तो जान का सोचना रीजनेबल था कि जनीलिया और हाउसवान ने मिलकर ये सब किया है जो कुछ भी आज हुआ है। वहीं आज ये पहली बार था जब यीबो जान से नजरें नहीं मिला पा रहा था और जान के सवाल पर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, जो देखकर जान अचानक से हंसते हुए कहता है, यीबो तुम्हें अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है, जो पूछकर जान एक पॉज लेकर
आगे कहता है, भले ही वो मुझे बार बार स्कैंडल्स में फंसाता रहा और मेरी आइडेंटिटी को खतरे में डालता रहा, यहाँ तक कि आज उसने ये सब तक कर दिया, फिर भी तुम उसे अभी तक अपना बड़ा भाई सोच रहे हो। जो सुनकर ये वो फर्म टोन में कहता है कि वो जान को सब एक्सप्लेन कर देगा, पर जान अचानक गुस्से में शार्प टोन में कहता है, मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कि तभी यीबो जान का रिएक्शन देखकर प्लीडिंग टोन में कहता है कि उसे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो सुनकर जान अपना हाथ यीबो के हाथ से खींचकर अलग कर लेता है और खामोश हो जाता है। दरअसल जान सोचने लगता है कि जब वो खुद हाउ श्वान को इन सबके पीछे मान सकता है तो यीबो को तो बहुत पहले ही पता चल चुका होगा, लेकिन वो हाउ श्वान को बार बार मौका दे रहा था अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि यीबो बेशक रूथलेस दिखता था पर वो हकीकत में अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और वो हाउ श्वान की तो बहुत ज्यादा ही केयर करता था। लेकिन यीबो जितने मौके हाउ श्वान को देता रहा उतना ज्यादा नुकसान वो जान को पहुंचाता रहा, या ये कह लो यीबो को पहुंचाता रहा, या फिर ये कह लो कि यीबो के लिए हाउ श्वान जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि तभी वहां की खामोशी को तोड़ते हुए जी यी की डिसबिलीफ से भरी आवाज सुनाई देती है कि क्या ये सब सच में हाउ श्वान ने किया है। तभी चैंग भी हैरानी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन उनके सवालों का जवाब दिए बिना ही जान जी यी को देखकर कहता है कि वो बहुत थक चुका है और आराम करना चाहता है, तो क्या वो जी के घर जा सकता है। जिस पर जी फौरन जान की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स वो चल सकता है, और इतना कहकर जी जान का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने लगती है, यीबो खड़ा होकर जान का दूसरा हाथ पकड़कर कहता है कि जान यीबो के साथ घर चले, पर जान यीबो का हाथ झटकते हुए बिना यीबो की तरफ देखे कहता है कि वो नहीं जाना चाहता। जहां जान का रिएक्शन देखकर और बात सुनकर यीबो की आंखों में ग्लूमिनस भर जाता है और अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए यीबो बच्चे की तरह लो वॉइस में कहता है कि वो जान को कुछ दिनों के बाद पिक करने आएगा। जो सुनकर जान जी यी को खींचते हुए वहां से चला जाता है और चैंग उन्हें बाहर तक छोड़ने उनके पीछे जाता है, जहां यीबो अकेला चैंग के घर के लिविंग एरिया में खड़ा रह जाता है जो बहुत थका हुआ दिख रहा था। वहीं चैंग का घर मीडिया को पता नहीं था, लेकिन फिर भी चैंग जान और जी यी की सेफ्टी के लिए बाहर तक आकर तब तक खड़ा रहता है जब तक जी यी की कार नजरों से गायब नहीं हो गई। तभी वापस आते हुए चैंग यीबो से एलिवेटर के पास टकरा जाता है और यीबो चैंग को देखकर कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए चैंग को परेशान करेगा, जिस बात का मतलब चैंग समझ जाता है कि यीबो चैंग से जान का ख्याल रखने के लिए कह रहा है, क्योंकि इतना सब होने के बाद जान ऑब्वियसली यीबो से मिलना नहीं चाहेगा। जो बात समझकर चैंग हल्का सा मजाक करते हुए कहता है कि यीबो हमेशा से ही चैंग को परेशान करता आया है, तो जिस दिन यीबो ने परेशान करना बंद कर दिया उस दिन चैंग को अच्छा नहीं लगेगा। जो कहकर चैंग आगे पूछता है कि इस बार एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये सब सच में हाउ श्वान की वजह से हुआ है। जो सुनकर एक पल चैंग को देखकर बिना कुछ कहे यीबो वहां से चला जाता है और अपनी कार को ड्राइव करते हुए हाउ श्वान को कॉल करता है, जो कॉल हाउ श्वान फौरन आंसर करता है मानो वो यीबो के कॉल का इंतजार कर रहा हो। वही कॉल आंसर करते ही हाउ श्वान स्माइल के साथ लो टोन में कहता है कि यीबो ने फाइनली उसे कॉल किया, पर यीबो कोल्ड टोन में पूछता है कि हाउ श्वान कहाँ मिलना चाहता है, तो हाउ श्वान यीबो को अपने घर बुलाता है। वही हाउ श्वान के घर पहुंचते ही यीबो हाउ श्वान को कॉलर से पकड़कर गुस्से में पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। अगर हाउ श्वान को कुछ चाहिए था या कोई प्रॉब्लम थी यीबो से तो उसे यीबो के पास डायरेक्ट आना चाहिए था। जो सुनकर हाउ श्वान कहता है कि यीबो के पास आकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हाउ श्वान की बात से यीबो बॉदर्ड फील नहीं करता, सिर्फ जान से रिलेटेड बात ही यीबो को परेशान कर सकती है। जो बात सुनते ही यीबो के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो बिना मर्सी के हाउ श्वान को जमीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से हाउ श्वान को पेन होता है और वो और ज्यादा शांत नहीं रह पाता और खांसते हुए कहता है कि उसे लगता है कि उसने इस बार सही बैट लगाया है। कि तभी यीबो पूछता है कि हाउ श्वान की जो ये जाओ और ग्रैंडपा के साथ उस दिन कॉफी हाउस में बात हुई थी,
क्या हर्षवान ने ये सब उसी की वजह से किया है? जो बात सुनते ही हर्षवान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और पैनिक टोन में वो पूछता है कि ये वो क्या जानता है। जहां हर्षवान का रिएक्शन और पैनिकनेस देखकर ये वो बिना इमोशंस अपने चेहरे पर लाए एक एक कदम हर्षवान की तरफ आगे बढ़ते हुए पूछता है कि हर्षवान किस बात से डर रहा है, कि ईबो को पता चल जाएगा। कि तभी हर्षवान अचानक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ईबो को तो कुछ भी नहीं पता है और वो कभी जान भी नहीं पाएगा जो वो जानना चाहता है। और इतना कहते ही हर्षवान पलटकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान जी के घर पहुंचकर बेजान सा सोफे पर बैठ जाता है और जी जान से पोलाइटली पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर जान सब कुछ जी को बता देता है, जो सुनकर जी इरिटेट होकर जान से कहती है कि हर्षवान और बॉस इतने अच्छे से साथ में रहते आए हैं तो वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास तो ये सब करने का कोई रीजन भी नहीं है। जिस पर जान जी की बात से अग्री करते हुए कहता है कि जी सही कह रही है, लेकिन जान को अपनी जजमेंट पर यकीन था और ईबो ने भी उसकी बात को डिनाई नहीं किया था, तो इसका मतलब साफ था कि ये सब हर्षवान नहीं किया था। कि तभी जान को अपसेट देकर जी जान को गले लगाकर कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, जान उदास ना हो। पर जान जी से कहता है कि वो थका हुआ है और रेस्ट करना चाहता है, तो जी जान को रेस्ट करने के लिए कहती है। वही रूम में आकर दरवाजा बंद करते ही जान डोर के सहारे ही नीचे बैठ जाता है और आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं, जो दुख से नहीं निकल रहे थे बल्कि जान थक चुका था, क्योंकि बचपन से ही उसे कभी प्यार नहीं मिला था और बड़ा होते होते उसे अकेला रहने की आदत हो चुकी थी। बाद में उसकी शादी ईबो से हो गई, जिसने यीजुन बनकर जान को लंबे समय तक टीज किया, पर ईबो की काइंडनेस की वजह से जान ने उसे माफ कर दिया था। जान हमेशा से ही वार्म्थ और लव के लिए तड़पता आया था, तो जब ईबो ने अपना प्यार जान को दिया तो जान खुद को रोक नहीं पाया और ईबो को एक्सेप्ट करके खुद को पूरे दिल से ईबो के साथ रिलेशनशिप में डिवोट कर दिया। फिर जान आगे सोचता है कि लेकिन ईबो के दिल में तो जान मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है ही नहीं। ईबो ने जान का यूज हर्षवान को टेस्ट करने के लिए किया। फिर जान आगे और सोचता है कि यानी ईबो के दिमाग में जान को कोई भी रिस्क लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सब सोचते रहते हुए उस रात जान को पता नहीं वो कब सोया और कैसे सोया, पर मॉर्निंग में उठकर वो बहुत काम फील कर रहा था। हालांकि रीसेंट स्कैंडल का जान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, वो फ्यूचर में शो बिजनेस में एक स्क्रिप्ट राइटर बनने वाला था, पर अभी जो उसको होम रेकर का टैग मिल चुका था, उसके बाद अगर जान फ्यूचर में फेमस हो भी जाएगा तब भी सारे लोग उसकी पहली इमेज अपने मन में एज अ होम रेकर का ही लाएंगे। पर जान ना ही तो लिखना छोड़ सकता था और ना ही होम रेकर का टाइटल एक्सेप्ट करना चाहता था, क्योंकि जान ही वो इंसान था जिसकी लीगली ईबो से शादी हुई थी। जो सब सोचकर जान अपना फोन निकालकर वीबो अकाउंट चेक करता है। हालांकि वो मेंटली प्रिपेयर था, पर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हर जगह अपने लिए देखकर जान का दिल बैठ जाता है। तभी जी की कंसर्न भरी आवाज सुनाई देती है कि जान ब्रेकफास्ट के लिए आ जाए, पर डोर ओपन होते ही जान के स्माइली फेस को देखकर जी हैरान रह जाती है और जान जी को लेकर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग रूम में आता है। पिछली रात को ही जान का डिप्रेस चेहरा देखकर जी को लगा था कि जान अभी भी उदास होगा, लेकिन इस वक्त जान को देखकर लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी डाइनिंग टेबल पर जान के सामने बैठकर जी कंसर्न टोन में जान का नाम लेती है, पर जान जी की बात को काटते हुए कहता है कि वो ब्रेकफास्ट करके बाद में श्याओ मेंशन जाएगा, जो सुनकर जी हैरानी से पूछती है कि जान वहां क्यों जाना चाहता है। जिस पर जान कहता है कि उस मैरिज सर्टिफिकेट से जरूर जनीलिया का ही लेना देना है, जिसके बारे में मुझे और ईबो को कुछ नहीं पता, तो शायद श्या उसको इसके बारे में कुछ पता हो। जो बात सुनकर भी जी जान को जाने देना नहीं चाहती थी, जो देखकर जान स्माइल के साथ कहता है कि ये सब बकवास है, ये सारे मिलकर भी सच को बदल नहीं सकते और ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जो बात कहकर जान सोचता है कि क्या ईबो को लेकर भी जान के साथ सब ठीक हो जाएगा,
जिस बात को लेकर जॉन कंफ्यूज्ड था, पर इस वक्त वो मैरिज सर्टिफिकेट वाले मैटर को सॉल्व करना चाहता था। फिर जॉन सनग्लासेस और मास्क पहनकर जी के घर से बाहर आता है और कम्युनिटी गेट से बाहर आते ही जॉन को बोविन दिख जाता है, जो जॉन को देखते ही मिसेस वॉन्ग कहकर ग्रीट करता है। जहां बोविन को देखकर लग रहा था मानो वो पूरी रात सोया ना हो, जिसे देखकर जॉन अपनी बोहे सिकोड़े पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर बोविन रिस्पेक्टफुली कहता है कि मिस्टर वॉन्ग ने बोविन को मिसेस वॉन्ग का वेट करने को कहा था कि अगर मिसेस वॉन्ग को कहीं जाना हो तो बोविन उन्हें ले जाए। जो बात सुनकर जॉन फ्रोज रह जाता है कि वो कितना स्मार्ट है, जो पहले ही जानता था कि जॉन श्याउस के पास जरूर जाएगा। जहां बोविन की बात पर थैंक यू कहकर जॉन कार में बैठ जाता है, क्योंकि बोविन के साथ जॉन बहुत सारे अननेसेसरी ट्रबल्स को अवॉइड कर सकता था। तभी कार में बैठकर जॉन दोबारा अपना वीबो अकाउंट चेक करता है, जहां से सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स और जॉन के लिए जो भी पोस्ट थे सब हटा दिए गए थे, पर अभी भी वहां कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें जॉन से रिलेटेड कंटेंट्स थे, जिसमें लिखा था कि जिस इंसान की मिस्टर वॉन्ग से एंगेजमेंट हुई थी वो श्याउस की बेटी थी, पर जिसकी मिस्टर वॉन्ग से शादी हुई थी वो एक्चुअल में श्याउस का बेटा था। जिसके ऊपर लोगों के कई सारे कमेंट्स आए हुए थे कि श्याउस का बेटा तो अगली था, कि रिच फैमिलीज में कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, और एक कमेंट ये भी था कि हो सकता है कि दोनों भाई बहन ही मिस्टर वॉन्ग को सर्व कर रहे हों। जो सब कमेंट्स पढ़कर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत कर लेता है कि तभी कार में एक फोन रिंग करता है, जो जॉन का नहीं बोविन का कर रहा था। जिस कॉल को आंसर करते वक्त बोविन रियर व्यू मिरर से जॉन की तरफ देखता है, क्योंकि ये कॉल ईबो का था। वहीं ईबो सारी रात नहीं सो पाया था, तो थकी आवाज में ईबो बोविन से पूछता है कि क्या जॉन कार में है, जिस पर बोविन हाँ कहता है, जिसके बाद ईबो कहता है कि वो ऑलरेडी बॉडी गार्ड्स को अरेंज करवा चुका है और बोविन केयरफुल रहे, अगर श्याउस के यहाँ जॉन का एक बाल भी डैमेज हुआ तो बोविन अपनी शक्ल ईबो को कभी ना दिखाए। जहाँ ईबो की लो और डीप वॉइस होने के बावजूद उसकी बात में छुपी धमकी की वजह से बोविन के माथे पर पसीना आ जाता है, और वो ईबो से कहता है कि वो समझ गया, और कॉल कट करते ही जॉन बोविन को टिश्यू पेपर देते हुए पूछता है कि क्या कार में एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा, बोविन को इतना पसीना क्यों आ रहा है, जिस पर बोविन टिश्यू पेपर के लिए जॉन को थैंक यू कहकर कहता है कि सच में उसे गर्मी लग रही है। जिसके बाद बोविन जॉन को लेकर श्याओ मेंशन पहुंचता है, और जैसे ही जॉन श्याओ मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जॉन वहां ऑलरेडी दो कार्स को खड़ा हुआ पाता है, और जॉन की कार के रुकते ही उन दोनों कार्स में से बॉडीगार्ड्स निकलकर जॉन के पास आकर जॉन को ग्रीट करते हैं, जिन्हें देखकर जॉन समझ जाता है कि ये ईबो के भेजे बॉडीगार्ड्स हैं। तो जॉन उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर सारे एक साथ जवाब देते हैं कि वो जॉन के आने का इंतजार कर रहे थे, कि तभी जॉन के कार से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स का एक ग्रुप जॉन की तरफ आता है, और वो सारे जॉन से इंटरव्यू देने को कहते हैं, लेकिन बोविन और बॉडीगार्ड्स सारे रिपोर्टर्स को रोककर जॉन को प्रोटेक्ट करते हुए घर के अंदर जाने को कहता है। जिन रिपोर्टर्स को एक नजर देखकर जॉन श्याओ मेंशन के लिविंग रूम में आ जाता है, जहां इतने बड़े स्कैंडल की वजह से सिवाय जियानमिन के घर से कोई भी बाहर नहीं गया था। तभी जॉन को देखकर एक सर्वेंट बाकी सारे श्याओस को इन्फॉर्म करती है, जो सुनकर जिंगतोंग और शेन हाई नीचे लिविंग रूम में आते हैं, जिन्हें जॉन बिना किसी फीलिंग्स और फेस एक्सप्रेशंस के ग्रीट करता है। जिसके बाद जिंगतोंग शेनहाई के साथ जॉन को छोड़कर चाय प्रिपेयर करने को कहने जाती है, जिसे इतना नॉर्मल एक्ट करते देखकर जॉन सोचता है कि क्या उसकी मॉम को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकती है। फिर जॉन सोचता है कि शायद इतने सालों में जॉन को इग्नोर करना उसकी मॉम की आदत ही बन चुकी है। वहीं जिंगतोंग के जाते ही शेनहाई थोड़ा सोचकर जॉन से कहता है कि वो इंटरनेट पर जो सब चल रहा है उसके बारे में जानता है, इसलिए जनीलिया को नजर बंद कर दिया है, और शेनहाई हैरान है कि इस एज में भी वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। जहां ये सब कहते हुए शेनहाई की आवाज में जनीलिया के लिए गुस्सा और नफरत थी, जो शायद
सिर्फ जान को अच्छा फील करवाने के लिए था। तभी जान कहता है कि वो जनीलिया से मिलना चाहता है, जिस पर शहनाई जान को मना नहीं करता और एक सर्वेंट से जान को जनीलिया के रूम में ले जाने को कहता है। जहां जान को जनीलिया के रूम की तरफ जाते हुए जनीलिया की गुस्से में चीखें सुनाई देती हैं कि कोई उसे बाहर आने दे, कि तभी थोड़ी देर बाद चिल्लाकर अचानक अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती है। तब जान सर्वेंट से दरवाजा खोलने को कहकर रूम के अंदर एंटर करता है, जहां जनीलिया सोफे पर बैठी फोन पर कुछ चेक करके स्माइल कर रही थी, जिसे देखकर जान अपनी आईज नैरो करके पूछता है कि किस चीज ने जनीलिया को इतना हैप्पी कर दिया है। वहीं जनीलिया अपने फोन में इतना डूबी हुई थी कि उसने जान को रूम में एंटर करते हुए नोटिस ही नहीं किया था, इसलिए जान की आवाज सुनकर पहले तो जनीलिया घबरा जाती है, फिर खुद को कंट्रोल करके फोन साइड में रखकर कहती है, ओह तो ये तुम हो, तुम में अभी भी बाहर निकलने की हिम्मत है, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें सड़े अंडे मार मार कर तुम्हारी जान ही ले लेंगे। जो बात कहकर जनीलिया इवनली स्माइल करती है, जहां जनीलिया की सारी बातें सुनकर जान जनीलिया को चिढ़ाने के लिए तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि वो तभी तो जनीलिया के पास आया है। वहीं जान का रिएक्शन देखकर जनीलिया मानो पागल सी हो जाती है, क्योंकि वो जान को रोता और बिखरता हुआ देखना चाहती थी, पर जान का स्माइल और कॉन्फिडेंस देखकर वो पूरी तरह से चिढ़ जाती है, मानो जान के लिए कुछ हुआ ही ना हो। तभी जनीलिया अपने दांत पीसते हुए कहती है कि जान कितना शेमलेस है, लोग उसे होम रेकर बुला रहे हैं और वो ऐसे एक्ट कर रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। वहीं जनीलिया की बात पूरी होते ही जान जनीलिया के सामने खड़े रहकर उसकी तरफ देखकर पूछता है कि जनीलिया अब उसे मैरिज सर्टिफिकेट का सच बताए, जिस पर जनीलिया सच बताने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि उसे एहसास होता है कि वो जान से बात कर रही है। जो रियलाइज करके जनीलिया सोचती है कि वो जान को सच बताए, इतनी वो पागल नहीं है, जिसके बाद वो जान से कहती है कि जान ये जान जाए कि वो मैरिज सर्टिफिकेट रियल है और जान हमेशा से ही एक होम रेकर रहा है। जो सब सुनकर भी जान के फेस एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते और वो एक गहरी सांस भरकर कहता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट हाउस श्वान ने जनीलिया को दिया है, ये बात जान जानता है, जिस पर जनीलिया फौरन कहती है कि जान कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, हाउस श्वान शो बिजनेस में है तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा। जो सब कहते हुए जनीलिया जान से अपनी नजरें चुरा रही थी, जो देखकर जान को यकीन हो जाता है कि जनीलिया को हाउस श्वान ने ही वो सर्टिफिकेट दिया था। और साथ ही जान को अपनी सोच पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि हाउस श्वान जैसा इंसान कभी जनीलिया को पसंद नहीं करेगा, लेकिन अंत में हाउस श्वान ने जनीलिया के साथ मिलकर यीबो और जान के खिलाफ साजिश की। तभी जनीलिया की तरफ देखकर जनीलिया के सामने बैठते हुए जान इंडिफरेंट टोन में कहता है कि उसे लगता है हाउस श्वान जनीलिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। और तो और जनीलिया हाउस श्वान की असली आइडेंटिटी तो पहचानती ही नहीं है। जहां जान देखता है कि हाउस श्वान का नाम आते ही जनीलिया नर्वस होने लगी थी, जो वो आज तक किसी आदमी के लिए फील नहीं करती थी, यानी जनीलिया सच में हाउस श्वान को प्यार करने लगी थी। तभी जान की बात सुनकर जनीलिया गुस्से में जान को उसके रूम से चले जाने को कहती है, जो सुनकर जान स्माइल के साथ उठकर जनीलिया को गुड बाय कहकर रूम से बाहर आने लगता है, क्योंकि जान यहाँ बस ये कंफर्म करने आया था कि जनीलिया और हाउस श्वान मिले हुए हैं या नहीं, जिसका जवाब जान को मिल चुका था कि हाउस श्वान ने ही वो सर्टिफिकेट जनीलिया को देकर जनीलिया का यूज किया था। तभी वापस लिविंग रूम की तरफ आते हुए जान यीबो को कॉल करने का सोचता है कि तभी वो हाउस श्वान को वेल ड्रेसअप होकर श्याओ मेंशन के लिविंग रूम की तरफ आता हुआ देखता है। वहीं स्टेयर के कॉर्नर में खड़े जान को हाउस श्वान भी नोटिस कर लेता है और जान से नजरें मिलते ही हाउस श्वान के फेस की स्माइल गायब हो जाती है, पर अगले ही पल हाउस श्वान खुद को नॉर्मल करके जान से नजरें हटाकर हॉल में बैठे शहनाई के पास जेंटल एक्सप्रेशंस के साथ जाकर मिस्टर श्याओ कहकर ग्रीट करता है, जिसे देखकर शहनाई भी स्माइल के साथ उठकर हाउस श्वान से हाथ मिलाकर मिस्टर वेन कहकर उसे बैठने को कहता है। तभी जान लिविंग रूम की तरफ आकर देखता है कि शहनाई और हाउस श्वान आपस में बातें कर रहे थे, जिसे देखकर जान का मन उनके पास आकर सवाल करने का होता है कि तभी जिंग टोंग कहीं से आकर जान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है।
और अपने रूम का डोर क्लोज करके जान से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर जनीलिया का नाम मैरिज सर्टिफिकेट पर क्यों है, जो सुनकर जान सरप्राइज लुक के साथ चिंगटोंग को देखकर सोचता है कि क्या फाइनली उसकी मॉम जान की फिक्र करने लगी है। कि तभी जान की फैंटेसी रून हो जाती है जब चिंगटोंग आके कहती है कि अगर जान ने पहले ही वोंग के यंग मिस्ट्रेस की पोजीशन जनीलिया को दे दी होती तो जो कुछ भी आज हुआ है वो नहीं होता। पर जान लालची बना रहा और अब इन सब की वजह से जनीलिया को बंद रहना पड़ रहा है और अब पता नहीं कि इस मैटर का कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां अपनी मॉम की सारी बातें सुनकर जान तिरछी स्माइल के साथ कहता है, मिस चिंगटोंग आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आप पागल हो चुकी हो तो प्लीज जाकर किसी साइकेट्रिक को मिलो। बस मेरे बर्दाश्त की सीमा को पार मत करो, मैं बहुत झेल चुका हूँ। जहां जान के फेस पर नफरत देखकर चिंगटोंग कहती है कि जान अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी जान के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए चिंगटोंग कहती है कि वो जानती है कि जान खराब मूड में है, पर रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है उसमें जान की ही गलती है। जो सुनकर जान चिंगटोंग से दो कदम पीछे हटते हुए कहता है कि वो चिंगटोंग से कैसे बात कर रहा है। जनीलिया चिंगटोंग को श्याओ का डॉग कहती है, पर चिंगटोंग अभी भी उसे ही प्लीज करने की कोशिश कर रही है। जान तो सिर्फ सच कह रहा है और चिंगटोंग सुन तक नहीं पा रही। और अब आज के बाद जान और ज्यादा माँ बेटी की बकवास झेल नहीं पाएगा। वहीं चिंगटोंग ये भूले नहीं कि वोंग से शादी करवाने के लिए चिंगटोंग ही जान के आगे अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी कि जान जनीलिया की जगह वोंग से शादी कर ले। जो बात कहकर जान सोचता है कि उसकी और यीबो की सिचुएशन कितनी सेम है। यीबो हाउशवांग को मौका देता रहा जान की लाइफ का रिस्क लेकर, जिसकी वजह से आज जान होम रेकर बन गया। वैसे ही जान इतने सालों से चिंगटोंग को मौके देता आता हुआ रहा, पर अंत में हमेशा वो चिंगटोंग से दुखी पाता आया। तो जो हालात जान और चिंगटोंग के बीच है, शायद वैसा ही यीबो और हाउशवांग के बीच है। तभी जान एक गहरी सांस भरकर चिंगटोंग से कहता है, जिस दिन मैंने वोंग से शादी करने के लिए हाँ कहा था उसी दिन माँ बेटे का हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। उसके बाद आपने जनीलिया के साथ मिलकर मेरी किडनैपिंग प्लान की और आपके लिए बिना झिझके मैंने ब्लैक कार्ड उनको पकड़ा दिया। आपको तो शायद पता ही नहीं कि आपके जाने के बाद जनीलिया ने उन किडनैपर्स को मेरे साथ क्या करने को कहा था। जनीलिया ने उन्हें कि तभी जान आगे कहने से पहले एक पल रुककर चिंगटोंग की आंखों में देखता है और आगे कहता है, उन्हें पहले मेरा रेप करके फिर मेरी जान ले लेने के लिए कहा था। जो पूरी बात सुनकर चिंगटोंग शॉक्ड से कांप जाती है, जो देखकर जान सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करके वहां से चला जाता है और जान को खुद से दूर जाता हुआ देखता रहते हुए चिंगटोंग सोचती है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। वो आखिर कहां चूक गई? क्या एक स्टेप मॉम को अपने स्टेप बच्चों को प्यार नहीं देना चाहिए? पर जान चिंगटोंग का ही बेटा है, वो आज नहीं तो कल अपनी माँ के पास वापस आ ही जाएगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन में यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।